आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान छोटी छोटी बीमारियों को अनदेखा करने लगा है, जिसके कारण छोटी मोटी दिक्कतें एक बड़ा रूप ले लेती हैं। इन समस्याओं में से एक है यौन रोग की समस्या पर मशहूर डॉक्टर सारंग जैन से ज्यादा बात चुके लखनऊ से साधना प्लस संवाददाता योगेश पांडे ने। आपको बता दें कि डॉक्टर सारंग जैन को उस क्षेत्र में बेहतर सम्मान दिया गया और बेहतर काम के लिए अमेरिका में हाल ही में सम्मानित किया गया है। जहां हमारे देश में लाखों लोग प्रतिदिन नीम हकीम के चक्कर में पड़ करके ठगे जाते हैं, तो वहीं लखनऊ के एक डॉक्टर सारंग जैन, जिनको अमेरिका ने सेक्सोलॉजिस्ट के विभाग में ग्लोरी ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सम्मान से सम्मानित किया है। अभी हाल ही में जो अमेरिका में आप सम्मानित हुए हैं, तो किस हस्ती ने सर आपको सम्मानित किया, किस हस्ती से आप सम्मानित हुए? अभी हाल ही में मुझे अमेरिका में ग्लोरी ऑफ इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहां केंटुकी के गवर्नर एवं मेयर ने मुझे ये सम्मान प्रदान किया। सर, यौन रोग ऐसा है सर, शब्द है कि लोग इसको बोलने में बड़ा हिचकिचाते हैं और अवेयर नहीं हो पाते हैं, तो सर हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इस रोग से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। सर, इसमें देखिए जो है यौन रोग हमारे खास तौर से भारत देश में का अनुपात काफी ज्यादा है। उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो है सेक्स एजुकेशन का अभाव, है ना, जिसमें हमारे भारत सरकार को थोड़ा सा इस चीज में ध्यान देना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करे। यहाँ पर देश में, अपने देश में बीमारी ज्यादा है या कहीं बाहर? नहीं, देखिए हमारे पास ऑल ओवर वर्ल्ड से मरीज आता है, लेकिन जहां तक मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि हमारे भारत देश में इन समस्याओं का अनुपात ज्यादा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे देश में सेक्स एजुकेशन का अभाव है, जिसमें थोड़ा सा भाई देखिए एक कहावत होती है कि जागरूकता के अभाव में बढ़ते हैं रोग। तो यहाँ पे लोगों की जागरूकता इस चीज में थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा शर्म और संकोच ज्यादा है। तो इसमें भारत सरकार को थोड़ा सा सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों से थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेव रखें, ताकि अगर बच्चों को अगर कोई भी समस्या है तो वो अपने माता पिता से एक सही मार्गदर्शन लेते हुए किसी भी अच्छे क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से राय परामर्श करके और अपना इलाज ले सकें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सारंग जैन जी, जो कि यौन रोग विशेषज्ञ हैं, और उन्होंने इस रोग के बारे में भी एक अच्छी सलाह दी और हमारे दर्शकों को बताया। कैमरा पर्सन दिनेश चौहान के साथ योगेश पांडे, साधना प्लस न्यूज लखनऊ। इसी के साथ बुलेटिन में सिर्फ इतना है। नमस्कार। विश्वास की नई ताकत सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। देवों के देव महादेव, यह 1857 में निर्मित संभल हीरा मुजफ्फरनगर में मौजूद विश्व के तीन पंचमुखी शिवलिंग में से एक श्री पशुपतिनाथ महादेव पंचमुखी शिव मंदिर। कहते हैं कि जो भी महादेव के इस मंदिर में एक बार दर्शन के लिए आता है वो यहीं का होकर रह जाता है।